हैं, तो उसके लिए मैंने गोभी ले ली है। तो चलिए इसे हम स्टीम कर लेते हैं। तो गैस को हम कर लेते हैं ऑन। तो मैंने रख लिया पैन, तो इसमें हम ऐड करेंगे गोभी को। तो इसे हम स्टीम कर लेंगे। तो इसे इसमें हम 1 चम्मच पानी लेंगे, इसमें डाल के इसको कवर कर देंगे और इसे यहाँ तक आ जाएगा तो ये स्टीम हो जाएंगे। तो थोड़ी देर वेट करेंगे। तो जब तक सब्जी स्टीम होती है तब तक हम लहसुन छील लेते हैं और इसे ब्रिक काट लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ आज मंचूरियन, तो उसके लिए लहसुन को मैंने छील लिया है। तो इसको साथ ही हमने ग्रीन चिल्ली है, इसको भी इसकी हम ब्रिक ब्रिक ग्रीन चिल्ली को हम ब्रिक ब्रिक काट लेते हैं। साथ ही हम लहसुन को भी इसको स्मॉल पीसेस कर लेंगे। तो चलिए इसे हम निकाल के रख लेते हैं अलग से। तो चलिए गोभी नू चेक कर दें। गोभी मेरी स्टीम हो गई है, तो हम गैस को कर देंगे बंद। तो इन्हें थोड़ी देर कवर रहने दें। तो वेजिटेबल को स्टीम हो गई है, तो इसे हम बाहर निकालेंगे। वो इसे हम थोड़ी देर कूल होने देंगे। थोड़ी कूल हो जाएगी हमारी गोभी, बहुत अच्छी तरह रोस्ट सी हो गई है। तो चलिए इसे हम थोड़ी देर हवा लगने देते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। का चलिए हम बैटर बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट, हरी मिर्च, काली मिर्च, सफ़ेद नमक, कॉर्नफ्लोर और मैदा। तो चलिए इसके लिए हम बैटर तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने बाउल ले लिया है। तो चलिए हम इसमें पहले कॉर्नफ्लोर को ऐड कर लेते हैं, जिसमें हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का ऐड कर दिया है, 1, और ये टीस्पून 2 से हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें, तो इसके साथ अब हम इसमें मैदा ऐड कर देते हैं। तो हम ले लेंगे मैदा, जिसमें हम 2 चम्मच मैदा ऐड कर देते हैं। इसे उसे मिक्स कर लेंगे हल्का हल्का। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तो इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे करते हैं मिक्स। तो इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करते हैं, तो इसे हम करेंगे कट और इसे भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसका हम एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसमें हम ग्रीन चिल्ली ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हम ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। तो ब्लैक पेपर मैंने ऐड कर दिया और इसमें सॉल्ट अपनी टेस्ट के अनुसार से थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड करेंगे। इसका एक बैटर हमने तैयार कर लिया है। तो अब इसके साथ ही हम इसमें जो गोभी है ना, जो स्टीम कर रखी है, उसे इसमें ऐड कर देते हैं। हम इसे गोभी को इसमें ऐड कर देंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मंचूरियन। तो मैंने गोभी इसमें ऐड कर दी है, तो इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। इसका बैटर तैयार हो गया है। इसे हम 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे अच्छी तरह मिक्स करके। तो चलिए हम 5 मिनट इसे रेस्ट करने देते हैं। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर देते हैं। तो इसमें हम कढ़ाई रख देंगे, तो इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। तो ऑयल मेरा गर्म हो जाए तो करेंगे हम फ्राई। जब तक ऑयल हो रहा है तो हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इस पर
डाल के इसको अच्छी तरह से एक बार हाथ से इसे मैश कर लेंगे। जब तक मेरा ऑयल गर्म हो जाएगा तो अब इसे हम करेंगे फ्राई। तो ये मैरिनेट हो गए हैं, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये अच्छी तरह से हमने रोस्ट कर लिया, इसको मैरिनेट कर लिया। तो अब इसे हम, चलिए ऑयल गर्म होता है तो हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए ऑयल हो गया गर्म, तो इसे हम करते हैं फ्राई। तो इसे हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे तो ये है कॉलीफ्लावर, तो इसे पहला बैच में फ्राई कर देती हूँ। थोड़ा गैस सिम कर देंगे, इसे धीरे धीरे भिजाएंगे। फ्राई कर लेंगे। मैं बना रही हूँ मंचूरियन, कॉलीफ्लावर मंचूरियन। इसे बहुत तेज नहीं, तो इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो हल्का हल्का गुलाबी हो रहे हैं, तो गोभी को हम फ्राई कर लेंगे। मैं बना रही हूँ मंचूरियन। तो फ्राई हो रहा है, तो चलिए ये फ्राई हो गई हैं, तो इसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह रोस्ट हो गई है, इसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ। मैं बना रही हूँ मंचूरियन, इसके लिए मैंने गोभी को कर लिया है फ्राई। इसे मैं फ्राई हो गई है, तो इसे निकाल लेते बाहर। तो इस तरह मैं सारी गोभी को फ्राई कर लूंगी। तो इसे मैं, ये फ्राई हो गई है तो इसे मैं निकाल लेती हूँ बाहर। तो मैं अब और फ्राई कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं और भी ऐड कर देती हूँ इसमें। इस तरह मैं गोभी को और ऐड कर देती हूँ। ग्रीन चिल्ली के साथ बहुत ही यम्मी मंचूरियन तैयार होने वाला है। चलिए इसे हम फ्राई होने देते हैं, इसे फिर उठा लेते हैं। तो गोभी हो रही है फ्राई, तो उल्टा पलटा लेंगे। उल्टा पलटा करके अच्छी तरह से आगे पीछे से फ्राई हो जाएगी। तो चलिए ये भी फ्राई हो गई है, तो इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये भी फ्राई हो गई है, तो इसे भी मैंने बाहर निकाल लिया है। तो गोभी फ्राई हो चुकी है, तो अब हम लेंगे मिर्च, धनिया, टमाटो प्यूरी, सोया सॉस और सॉल्ट और विनेगर, और ये है लहसुन, इसे मैंने हल्का हल्का सा कूट लिया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं ग्रेवी। तो मैंने पैन रख दिया है, तो इसमें हम पहले ऐड करेंगे, थोड़ा गर्म हो जाए पैन। तो पैन गर्म हो गया तो इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, तो मैं ऑयल में ही बनाऊंगी। आप रिफाइंड में बनाएं आपकी मर्ज़ी है, तो मैं तो ऑयल में ही बना रही हूँ। तो ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, तो चलिए ऑयल गर्म हो गया है, तो इसमें सबसे पहले हम इसमें जो जिंजर का पेस्ट है ना,
उसे ऐड कर देंगे और हम सिम गैस पे ही बनाएंगे ताकि कच्चा पन ना रहे, तो इसको हम भून लेंगे। अदरक फ्राई हो रहा है, जब तक लहसुन फ्राई हो रहा है तो इसमें हम ऐड करेंगे तो मेरा जिंजर भून चुका है तो इसमें मैं टमाटर प्यूरी ऐड कर देती हूँ। इसके साथ ही हम इसमें ग्रीन चिल्ली ऐड कर देंगे। इसमें हम सोया सॉस ऐड कर देंगे, सोया सॉस, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम आधा कटोरी पानी ऐड करेंगे। इसमें उबाल आ जाए तो पानी ऐड कर दिया। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे शुगर, 1 टीस्पून शुगर ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें हमने सॉल्ट ऐड करना है। मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। अब इनको सबको हमने अच्छी तरह से पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए सिम गैस पे, तो फिर कवर कर देते हैं 2 मिनट्स के लिए। कटोरी में पानी ले लेंगे 1/2 कटोरी। इसमें हम 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे हमने इसमें ऐड कर देते हैं, तो इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। तो इसे हम हटा लेते हैं। तो वो मेरी सॉस रेडी हो रही है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर। तो इसे अच्छी तरह से हिला लेती हूँ। तो इसे अच्छी तरह से हम हिला लेंगे। इसमें ऐड करेंगे विनेगर, तो मैंने विनेगर ले लिया है, तो वैसे 1 छोटी स्पून पे विनेगर को ऐड कर लूँगी। इसे एक बार अच्छी तरह से हिला लेंगे। तो इसमें हम ऐड कर देंगे हरा धनिया, और इसमें थोड़ी सी मैं कल जो शेजवान सॉस बनाई थी ना, थोड़ी सी मैं वो ऐड कर देती हूँ। क्योंकि इसमें जितनी सॉसेज होंगी उतना इसका टेस्ट आएगा, थोड़ी सी मैं ऐड कर देती हूँ। तो मेरी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसमें हम ऐड करेंगे जो मैंने फ्राई करके रखी हुई है, इसको ऐड कर देते हैं इसमें। वाह, मेरा मंचूरियन रेडी हो गया है। इसे मैं पूरा एक बार हिला लेते हैं। वाह, सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे और मेरा मंचूरियन रेडी हो चुका है। बस 1 मिनट के लिए ढकेंगे। तो लीजिए मंचूरियन रेडी है। वो इसका फाइनल लुक बहुत ही कलरफुल मंचूरियन मेरा बहुत ही यम्मी टेस्टी तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। वो तो मंचूरियन मेरा रेडी हो चुका है, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। वो व्हाट ए कलरफुल तैयार हो चुका है, तो इसे अब सर्व करते हैं। तो लीजिए मंचूरियन मेरा रेडी हो गया है, तो बहुत गर्म है, आप ट्राई करिए। वो तो चलिए आप खाइए। तो मंचूरियन मेरा रेडी हो चुका है, तो लीजिए आप लोग खाइए इसे और बताइए।
इसे ट्राई करते हैं।